हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा आखिरी डेमो लेक्चर। इससे पहले बोला था कि मैं आपको आखिरी डेमो लेक्चर देने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड, एक डेमो लेक्चर मैं और लेकर आया हूं आपके लिए। वरना बच्चा बोलेगा अरे सर ने तो इजी इजी क्वेश्चन कराए और भग गए यार सर, मतलब होता है मेंटिलिटी है। तो फ्रेंड आज आखिरी डेमो लेक्चर है, आप डेमो लेक्चर को एंजॉय कीजिए। और आपको लगता है कि हाँ आपको कोर्स परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप। आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ के स्टोर से हमारा कोर्स लेकर आप पढ़ सकते हो। बस ध्यान देना कि जो कोर्स आप परचेस कर रहे हो वो आपकी यूनिवर्सिटी का हो। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करके मुझसे गाइडेंस ले लेना कि सर कौन सा कोर्स आपका है या कौन सा कोर्स आपको परचेस करना है। तो यार फिलहाल देख लोगे, इतने बेवकूफ़ आप लोग नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो आज अपन एक और टाइप के क्वेश्चन को छुएंगे। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है बहुत ही ईजी, है बहुत ही इजी। यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, यहां पर बोल रहा है कि फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को निकालिए हुज इमेजिनरी पार्ट। यहां पर आपको इमेजिनरी पार्ट दे दिया है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे बेटा, वहां पर क्या हो रहा था, आपको यू दे रहा था और आपसे एफ जेड पूछ रहा था। यहां पर ठीक उल्टा है, यहां पर आपको वी दे दिया है और आपसे एफ जेड पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ और आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, यू आता आपका होता है रियल और वी क्या होता है आपका इमेजिनरी। ठीक है बेटा, चलिए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आपको वी की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो आप कंफ्यूज मत हो, जिस तरीके से अपन करते थे उसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है बेटा कि इसको अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले वही बेटा स्टेप सब वही रहेगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो आप कर सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो मत लिखो, कोई मतलब नहीं बनता। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर का 0, तो 2x प्लस 0 ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स। आप एक काम करो, आपको v दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, आप इसका क्या करो, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लो। तो ये x स्क्वायर का 0 हो जाएगा 2 और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y। तो यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा आपका 4y। ठीक है बेटा, चलो अब बस अब स्टेप्स को रीड करना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आप आ जाओ एफ जेड पे, क्या होता है यू प्लस आई वी, क्या होता है बेटा यू प्लस आई वी। ठीक है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए जो आप करते थे। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारा बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर। अब यार डेल वी अपॉन डेल एक्स की तो वैल्यू अपन को पता है, अपन को डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू नहीं पता है। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे हम लोग सी आर रिलेशन। क्या लगा देंगे बेटा, सी आर रिलेशन। ठीक है, तो सी आर रिलेशन से अपन लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, ये हम लोग लिख सकते हैं। सी आर रिलेशन मैंने बताया था आपको, अगर आप कॉपी को पलटिएगा तो वहां पर आप देखिएगा सी आर रिलेशन। सी आर रिलेशन मैंने बताया था कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो आप देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर वी होता है और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूजन का कोई सीन नहीं है, आप खुद को मतलब आप सेल्फ कंफ्यूज ना हो। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि एफ जेड आपको दिया हुआ है यू प्लस आई वी, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड, यू का डिफ्रेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स, वी का डिफ्रेंशिएशन डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन को पता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सी आर रिलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखो दोनों क्या हो गया, वी के टर्म में हो गया, दोनों क्या हो गया बेटा आपके
वी के टर्म में हो गया तो अपन यहाँ पे आसानी से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना प्यारा बच्चा, ठीक। चलिए तो ये आपका एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई आपका हो जाएगा 4y प्लस आई और डेल वी अपॉन डेल एक्स आपका हो जाएगा 2x, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पे आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आ जाइए एफ डैश जेड में, तो विच इज इक्वल टू 4y प्लस आई 2x, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत क्या, तो 2x आई भी लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो 2x आई, आई मतलब आयोटा, है ना, आयोटा। चलो यार ये तो मतलब अच्छे को अगर कंसेप्ट से पढ़ते हो आप लोग ना फ्रेम करते हो क्वेश्चन को, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है हार्ड क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है बे, सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, फ्रेम एक ही होता है इजी, बस बेसिक की बात है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से टफ है, मैं बोलूँगा टफ नहीं है, आपकी फ्रेमिंग गलत है। आप अगर बेसिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं ना प्यारा बच्चा, कभी नहीं फंसोगे, अल्लाह तौबा, कोई भी क्वेश्चन निकाल दोगे फेल का। चलो हाँ भाई हो गए टर्म, हमारी बात हो रही जो हो गए। चले तो यहाँ पर हमने एफ डैश जेड की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर बाई मिलने थॉम्सन, ये भैया मिलने आ गए थॉम्सन के साथ, और मिलने थॉम्सन क्या बोले यहाँ पर कि आपको एक्स के जगह पे जेड पुट करना है और वाई के जगह पे जीरो पुट करना है, ठीक है। चलिए तो आपका एफ डैश जेड हो जाएगा 4 × 0 प्लस 2zi, तो 4 × 0 0, तो ये आपका एफ डैश जेड क्या हो गया बेटा आपका 2zi। हाँ हो गया, ठीक है बेटा। चलो इंटीग्रेट कर दो, इसके बाद इंटीग्रेट ही तो करते थे, i को बाहर रखो 2 के साथ z dz, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2i और z का क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो 2 से 2 कट गया, तो एफ डैश जेड क्या हो गया बेटा आपका z स्क्वायर i प्लस c। दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन, दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन। तो देखो बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको CR रिलेशन याद होना चाहिए, कभी कभी आपको इमेजिनरी पार्ट देखो होता है, क्वेश्चंस आपके साथ खेलता है, लेकिन आप अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस के साथ खेलोगे। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप गाइड की बात कर लो, जैसे कि मेरे पास एक गाइड है, अब जैसे इस गाइड की बात कर लो, गाइड से मैंने क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन मेरा, क्योंकि यार सॉल्यूशन जो है ना ये उसमें ऐसा अल्टर दिया हुआ है कि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो गाइड्स क्या है ना क्वेश्चंस के लिए अच्छे, सॉल्यूशन उसका मतलब रद्दी होता है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था एनालिटिक फंक्शन का, जब अपन को क्या दिया हो रहा है इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद हमारा डेमो समाप्त होगा, उसके बाद अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है बेटा आप आगे क्लास को ज्वाइन कीजिए, अच्छी नहीं लग रही है वीडियो को डिसलाइक कीजिए। चलो नोट करो, तो चलिए माय डियर फ्रेंड अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए इजी इजी क्वेश्चंस करा के बच्चों को लुभाना एंड उनको बोलना है पर नहीं यार बेटा, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए, कुछ टफ्स होते हैं, कुछ टफ कुछ नहीं होता, किसी के स्टेप्स बड़े होते हैं, किसी के स्टेप्स छोटे होते हैं, हाँ। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारा बच्चा कि अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप हर एक क्वेश्चन को अपने लेवल पर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है फॉर अ डेमो लेक्चर, अब इसके बाद अगर आपको पढ़ना हो प्यारा बच्चा तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर पे जाके कोर्स खरीद के पढ़िए बेटा, क्योंकि मैंने 3 क्लास का ही सोचा था कि मैं डेमो दूं, लेकिन 1 क्लास मैं अपनी तरफ से और बढ़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो बच्चा अगर अभी भी निश्चिंत ना हो क्या कंटेंट, कंटेंट तो मैं इतने दे देता हूँ कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, सच बताओ इतने क्वेश्चन मैं टच कर देता हूँ ना कि मतलब उसके अलावा अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने RGBB के लिए वेक्टर कैलकुलस का कोर्स डिजाइन किया, 31 लेक्चर्स मैंने दिए, उसमें 32 होने चाहिए, लेकिन मैंने एक कम कर दिया, मैंने नहीं यार हटा बहुत क्वेश्चंस करवा दिए तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मतलब सफिशियंट कंटेंट दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि यार अपन ने दे दिया, हाँ यार ऐसा नहीं, एक सफिशियंट कंटेंट बच्चों को मैं दे ही देता हूँ। चलिए फ्रेंड तो यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन है, फाइंड द एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बेटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्लियर है कि इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं, तो वी यहाँ पे दिया हुआ ई का पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, ठीक है बेटा। चलो आप एक काम करो, ई का पावर माइनस एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ई का पावर माइनस एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो वी क्या हो जाएगा आपका
ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉस वाई प्लस ई का पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले अपन ने डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला था, फिर हमने निकाला था डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहां पर भी वही स्टेप करते हैं, फिर देखेंगे अपन आगे क्या कर सकते हैं, है ना बेटा। चलो तो हम लोग को यहां पर निकालना है सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ई का पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ई का पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई। ठीक है बेटा, चलिए तो अब एक काम करते हैं, यहां पर देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये cos y क्या है, एज अ कांस्टेंट काम करेगा, तो cos y को बाहर निकाल लो आप, तो बचेगा क्या डेल अपॉन डेल एक्स ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और प्लस यहां पर ये दोनों कांस्टेंट काम करेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y साइन y को बाहर निकाल लो, बचेगा क्या डेल अपॉन डेल एक्स ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, चलो तो आप यहां पे देख सकते हो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप एक काम करो e का पावर माइनस एक्स को छोड़ दो, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स को कर दो प्लस एक्स को छोड़ दो डेल अपॉन डेल एक्स e का पावर माइनस एक्स को, मतलब एक को छोड़ा दूसरे को किया प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया, ये तो खैर आपको पता, मैंने आपको बताया था बेटा डिफ्रेंसिएशन में। चलो y साइन, देखो ऐसे क्वेश्चंस करनी जरूरी है क्योंकि जब हार्मोनिक फंक्शन में पहुंचेंगे तो अचानक से मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता आपको, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। चलो e का पावर माइनस एक्स का e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस वन, यहां पर बहुत अच्छी चीज है बेटा बात समझिएगा, डी अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स, तो e का पावर माइनस एक्स का e का पावर माइनस एक्स और जब आप माइनस एक्स का करोगे तो हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स और जब माइनस एक्स का करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन। ठीक है बेटा, चलो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, कॉस वाई ई का पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एस एक्स यहां पर क्या हो जाएगा बेटा वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, ध्यान देना यहां पर कि ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट रूल था आपका, तो ये आपका माइनस की वजह से यहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई ई का पावर माइनस एक्स और वन मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाता, वन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है e का पावर माइनस एक्स इंटू वन e का पावर माइनस एक्स और प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स e का पावर माइनस एक्स। ठीक है, चलो माइनस वाई साइन वाई e का पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, चलो कॉस वाई को यहां मल्टीप्लाई कर दो, कॉस वाई को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस वाई e का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स e का पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या निकला आपका, ये निकला डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देख लो बेटा, कोई भी एक सिंगल स्टेप मैंने गैप नहीं किया है और मैं कभी करता भी नहीं हूं, जो आपको कभी कंफ्यूजन हो अच्छे मन से लिखोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो दोबारा इसको समझाने जाऊंगा, यू विल गेट कंफ्यूज। यहां पर देख सकते हो आप कि ये वाई का टर्म तो बाहर निकाला, ये प्रोडक्ट रूल हुआ, एक को छोड़ा दूसरे को किया अपना, दूसरे को छोड़ा पहले को किया, यहां पर एक जो सरदर्द वाली चीज थी वो e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा e का पावर माइनस एक्स का e का पावर माइनस एक्स होता है और माइनस एक्स का माइनस वन, तो ये इजी है। चलो वीडियो पॉज करके नोट करो, आई एम नॉट डूइंग एनी एडिटिंग, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूं इसमें, वरना धलर धलर चीज आएंगी तुम हो जाओगे, है ना। अच्छा यार, थोड़ा मतलब मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हटाओ इसको, अच्छे क्वेश्चंस करने में हमेशा अच्छा लगता है ना। एंड बुक्स में देखोगे ना, इन सब क्वेश्चंस को इतनी जल्दी एकदम ऐसा बना देता है जल्दी जल्दी में कि साला पता ही नहीं चलता कि किया क्या है। cos y e का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स e का पावर माइनस एक्स cos y माइनस वाई
साइन वाई ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये मैंने अपने लिए लिख लिया ताकि आगे मुझे यूज हो पाए, ठीक है। अबे आईलेट पढ़ाया था, पढ़ा था चलो फिर से आ जाओ वी पे। फिर से कहां पर आ गए हम लोग? वी पर आ गए। वी यहां पर है ई का पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस वाई माइनस ई का पावर एक्स वाई साइन वाई, ठीक है बेटा। चलो तो अब अपन को निकालना है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहां पर आप लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई ई का पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई ई का पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पर डेल अपॉन डेल वाई है तो ई का पावर माइनस एक्स, एक्स को बाहर कर दो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन बताया था कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट काम करेगा। तो e का पावर माइनस एक्स, एक्स बाहर हो गया, बचा क्या डेल अपॉन डेल वाई कॉस वाई, ठीक है बेटा। प्लस यहां पे भी e का पावर माइनस एक्स को बाहर कर दो, डेल अपॉन डेल वाई वाई साइन वाई, ठीक है बेटा। देख लो कोई कंफ्यूजन की सीन नहीं है, ठीक है बेटा। चलो e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉस वाई का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई और वाई का वन, ठीक है बेटा। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई प्लस e का पावर माइनस एक्स। यहां पर u इंटू v का नियम लगेगा, एक को छोड़ दो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले को डिफरेंशिएट करो, छोड़ो दूसरे को करो, दूसरे को छोड़ो पहले करो ही, ठीक है ना। एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया। इस माइनस की वजह से यहां सामने माइनस आ जाएगा तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स, एक्स साइन वाई प्लस ई का पावर माइनस एक्स, चलो वाई साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस वाई प्लस साइन वाई और डी अपॉन डी वाई, वाई का कितना हो जाएगा आपका वन, ठीक है। चलो ई का पावर एक्स यहां मल्टीप्लाई करो, ई का पावर माइनस एक्स यहां मल्टीप्लाई करो, ठीक है बेटा। चलो तो यहां से नील जल जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल वाई क्या, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, एक्स साइन वाई ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई का पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई का पावर माइनस एक्स साइन वाई, ई का पावर माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है बेटा। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नोटेड बच्चा पार्टी नोट इट। चलिए फ्रेंड तो आप करते हैं थोड़ा सा आगे प्रोसेस, ठीक है। देखो प्रोसेस वही रहेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोग आ जाइए एफ जेड पे कि एफ जेड क्या है आपका, यू प्लस आई वी, ठीक है। चलिए तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। चल तो एक बात बताओ यार, डेल वी अपॉन डेल एक्स की तो वैल्यू अपन को पता है लेकिन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन को नहीं पता है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा, सी आर रिलेशन का यूज करके चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे बाय सी आर रिलेशन, मतलब कॉची रेमन रिलेशन, अपन क्या करेंगे बेटा डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिख देंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। बताया था ना सी आर रिलेशन, और इससे पहले क्वेश्चन में भी यही करा था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। बोलोगे सर राइट। चलिए तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज को पुट करेंगे, मिलने भैया को बुलाएंगे और यहां पे अपना काम करवाएंगे, मिलने भैया को टॉफी ऑफी देंगे कि भैया ये लो टॉफी खाओ और हमारा काम करो, है ना। चलो अरे घबरा मत रे, कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कभी भी टफ इजी नहीं होता, फ्रेमिंग आप लोग करते ये टफ है ये इजी है, सारे क्वेश्चन इजी होते बेटा, बस करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो
तो आगे बढ़ते हैं ना। चलिए तो f डैश z, देखो डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू पता है, e का पावर माइनस x, x साइन y, सॉरी साइन x, ठीक है, प्लस e का पावर माइनस x y cos y, प्लस e का पावर माइनस x साइन y, प्लस i, और डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू देखो यहां पे मैंने लिख के रखा था cos y e का पावर माइनस x माइनस x e का पावर माइनस x cos y माइनस y साइन y e का पावर माइनस x, ठीक है बेटा। तो देखो कोई तीर मारने वाला काम नहीं किया है हमने अभी, जो आप हमें शाबाशी दो, सिंपल सी बात, देखो यहां पर कोई तीर मारने वाला काम नहीं किया, यहां पर हमने डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू लिखी यहां तक, प्लस i तो i, और ये आपका डेल v अपॉन डेल x हमने क्या किया ब्रैकेट में लिखा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कोई भी तीर मारने वाला काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया बेटा यहाँ पे आपकी वैल्यूज पुट की, उसके अलावा मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चल यहां तक तो ठीक है ना, लग तो ठीक ही रहा है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए तो बाय मिलने थॉमसन, जो करते थे वही करेंगे, बाय मिलने थॉमसन मेथड, x के जगह पे z पुट करेंगे और y के जगह पे जीरो, ठीक है बेटा। चलो यही करते थे और यही करते रहेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यही करते थे और यही करते रहेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है प्यारा बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए x के जगह पे z, तो e का पावर माइनस z, z साइन जीरो साइन x, एक्चुअली वहां पे साइन x नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे साइन y होना चाहिए, ठीक है, एक बार सही कर लेना, यहाँ पे साइन y ही होगा, मैंने गलती से इसको कहीं कर दिया, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका साइन जीरो प्लस e का पावर माइनस x, सही कर लेना, ठीक है बेटा, यहाँ पे साइन y होगा, तो e का पावर माइनस z, और यहाँ पे y की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप क्या करो, जीरो लिख दो, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे y अपन जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, जीरो पुट हो जाएगा, ठीक है। चलो e का पावर माइनस z, और यहाँ पे साइन y है तो y के जगह पे जीरो, y के जगह पे जीरो, ठीक है बेटा। चलो प्लस आयोटा कॉस y, तो कॉस जीरो e का पावर माइनस z, माइनस x है तो मतलब z, e का पावर माइनस z cos y मतलब cos 0 माइनस, देखो यहां पे y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटा। तो यहां पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज मत होना बेटा, एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है आपको, आप सिंपल सी बात यहां पे देखो, यहां पे गलती किया था हमने, इसको सुधार लिया, आप लोग देख लेना पीछे, ठीक है। चलिए बेटा तो मैंने आपको क्या बोला प्यारा बच्चा यहां पे कि एक्स के जगह पे जेड, x के जगह पे z, y के जगह पे 0, यहां पे y 0 रखते हैं पूरा हो जाता 0, 0, e का पावर माइनस z sin y आपका हो गया 0, i cos y मतलब cos 0, e का पावर माइनस x, e का पावर माइनस z, x के जगह पे z, e का पावर माइनस z cos y मतलब कि 0, ठीक है, y की जगह पे 0, और यहां पे y 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो मैं जितनी बार बोलूंगा वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा बेटा, ठीक है। चलिए आपको पता है, क्या पता है कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो एक बात बताओ, साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। चलो ऊपर लिखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो बेटा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करना, तो करते हैं ना, डरते थोड़ी ना करेंगे। चलो साइन जीरो जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू जीरो, यहां पे जीरो ऑलरेडी है, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस आई कॉस जीरो वन होता है तो वन इंटू ई का पावर माइनस जेड, ठीक है, और यहां पे कॉस जीरो वन होता है तो माइनस जेड ई का पावर माइनस जेड इंटू वन और माइनस जीरो, ठीक है बेटा। देख लो cos 0 1 होता है तो यहां पे 1 रखा, e का पावर माइनस z,
जेड की जगह पे जेड, ई का पावर माइनस जेड की जगह पे ई का पावर माइनस जेड, और कॉस जीरो क्या होता है बेटा, कॉस जीरो होता है वन, तो यहाँ पे वन रख दिया, ठीक है। चलो तो यहां से एफ डैश जेड की वैल्यू निकली जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, आई ब्रैकेट में ई का पावर माइनस जेड माइनस जेड ई का पावर माइनस जेड, ठीक है बेटा। चलो माइनस जीरो रखोगे तो कोई मतलब बनता नहीं है, है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए बेटा, इतना नोट कर लीजिए, है ना। चलो खोना नहीं है यार, देख लो भाई कहीं स्टेप गैप नहीं किया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो था, ये भी जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, बचा ई का पावर माइनस जेड, और यहाँ पे कॉस जीरो वन हो गया, बचा जेड ई का पावर माइनस जेड और माइनस जीरो, माइनस जीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, है ना प्यारा बच्चा। खोना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने क्या बोला, खोना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्टेप मैंने गैप नहीं किया है कि आप खो जाओ और फिर रो कि सर मैंने खो गया। चलो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एफ डैश जेड, आई को रहने दो, ठीक है, इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड ई का पावर माइनस जेड, ठीक है बेटा। चल तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ जेड, आई वही का वही रहेगा, ई का पावर माइनस जेड का ई का पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखना कि यहां पे e का पावर माइनस जेड है, मतलब यहां पर आप देखोगे तो माइनस वन छुपा हुआ है, माइनस वन जेड आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर माइनस वन जेड और अपॉन में वही आ जाता है तो माइनस वन, तो यहां पे आपको खोना नहीं है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, e का पावर माइनस जेड का क्या हो जाएगा बेटा, इसको अपन लिखेंगे तो e का पावर माइनस वन जेड अपन लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो e का पावर माइनस वन जेड का e का पावर माइनस वन जेड, और माइनस वन कहाँ पे आ जाएगा, कोफिशियंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे कोफिशियंट में माइनस वन आएगा क्योंकि यहाँ पे वन क्या है बेटा आपका छुपा हुआ है, ठीक है। चल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड e का पावर जेड, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आईलेट फॉर्म अपन को लगाना पड़ेगा, तो चलो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका, घबराओ मत, एफ जेड कितना है आपका, आई ई का पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन, अभी करेंगे इसको अपन सॉल्व, माइनस इंटीग्रेशन जेड ई का पावर माइनस जेड, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके यहां तक आप क्या करो, नोट कर लो, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब इसको क्या करते हैं अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, और मैंने क्या बोला आपको कि मैंने आपको आईलेट बताया है, वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है जहां पर मैंने आईलेट पढ़ाया था, तो आप जाके प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखते बेटा तो आपको ये लगेगा कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया और मैं यहां से जैसे तैसे भाग रहा हूं, ठीक है। अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो, ऐप पे मैंने जो बेसिक वाला जो फोल्डर है सिलेबस वाला उस पर भी मैंने ये डाला है, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो मैंने भी यहाँ पे आईलेट वाली चीज यहाँ पे क्या की है, डाली है प्लेलिस्ट में, तो आप एक बार वहां पे देख लेना जाकर, नहीं तो आपको लगेगा कि सर फांकी मार रहे हैं, पढ़ाता नहीं आता इनको, भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भागना नहीं आता। चलो e का पावर ये अपन को इंटीग्रेट करना है z e का पावर माइनस जेड, यहाँ पे dz रहता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे z क्या है, z है आपका अल्जेब्रिक टर्म और e का पावर z है एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। चलिए तो अगर आप आईलेट में देखोगे तो आईलेट में a पहले आता है और e बाद में आता है, तो यहाँ पे आप इस अल्जेब्रिक वाले को मानोगे u और इस e को क्या मानोगे v, तो यहाँ से आपको u की वैल्यू पता चल गई z और v की वैल्यू पता चल गई e की पावर माइनस जेड, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी, अगर z के टर्म में लिखोगे तो u को छोड़ो v को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी जेड u इंटीग्रेशन ऑफ v डी जेड इंटू डी जेड, ठीक है बेटा। चलिए तो आप यहां पे देखिए U यहां पे क्या है Z, V यहां पर क्या है E का पावर माइनस जेड डी जेड, यहां पे U क्या बेटा आपका
यू है आपका जेड इंटीग्रेशन वी डी जेड, तो वी यहां पर ई का पावर माइनस जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी जेड, यू की जगह पर है जेड, वी है आपका ई का पावर माइनस जेड डी जेड और ये आपका डी जेड। तो बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको कंफ्यूज करे, नथिंग, एक स्टेप भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है जो आपको कंफ्यूज करे। बेटा देख लो, जहां जहां यू था वहां वहां पे हमने क्या रखा, जेड रखा, और जहां जहां वी था वहां पर ई का पावर माइनस जेड रखा। और यू अपन क्यों मानते हैं पहले वाले को, क्योंकि पहला वाला अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक क्या आता है बेटा, पहले आता है, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको यू मानते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जेड तो ई का पावर माइनस जेड का हो जाएगा ई का पावर माइनस जेड, और यहां पर आ जाएगा माइनस वन कोफिशियंट में। क्यों? क्योंकि ई का पावर माइनस जेड को आप लिख सकते हो e का पावर माइनस वन जेड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस वन जेड अपॉन माइनस वन, जैसे कि आप इसमें करते थे e का पावर टू एक्स में क्या होता था, e का पावर टू एक्स अपॉन टू, जैसे कि आप साइन में करते थे साइन टू एक्स का कर देते थे कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो यहां पर माइनस वन छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोफिशियंट में क्या छिपा हुआ आपका, माइनस वन, और कोफिशियंट कहां आ जाता है आपका, डिवाइड में। ठीक है, हाँ फिर ऐसा मत बोलना भैया सर ने की कांड करा था। चलो माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी जेड, जेड आपका क्या हो जाएगा वन, मल्टीप्लाई ई का पावर माइनस जेड का, ई का पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन डी जेड। ठीक है बेटा, चलो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और यहां इस माइनस की वजह से यहां पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड ई का पावर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e का पावर माइनस जेड डी जेड। ठीक है, चलो तो माइनस जेड e का पावर माइनस जेड, जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो e का पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन, तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस जेड e का पावर माइनस जेड माइनस e का पावर माइनस जेड। ठीक है बेटा, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस जेड ई का पावर माइनस जेड माइनस ई का पावर माइनस जेड। ठीक है बेटा, देख लो मैंने कैसे किया है, यहां माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन कोफिशियंट में आएगा, तो माइनस प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, फिर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो ताकि मैं आंसर लिख पाऊं, है ना, इजी है यार, आईलेट पढ़ लेना, और नहीं पढ़ोगे बोलोगे सर भगा भगा के पढ़ा रहे, तो यार कोई बात नहीं, फिर मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। अगर आपको लगा कि मैंने यहाँ पे भगा भगा की चीजें बता दी आपको, यहाँ पर बस एक चीज ये ध्यान देने वाली थी, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस जेड, जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है ई का पावर माइनस जेड में माइनस वन जेड, तो ई का पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन, क्योंकि कोफिशियंट कहाँ आता है, डिवाइड में, क्योंकि इस वजह से बहुत बार साइन क्या हुआ, चेंज हुआ है, फॉर्मूला ही मैंने लिखा, सब कुछ बता रहा, अब भी समझ में नहीं आ रहा भाई, वीडियो को जाके देखना आईलेट वाला, समझ में आ जाएगा, तब भी समझ में नहीं आया तो भाई मुझ पर केस कर देना, क्योंकि अब मैं इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मैं क्या यार, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, माइनस इंटीग्रेशन जेड ई का पावर माइनस जेड। ठीक है बेटा, चलो तो इस माइनस की वजह से यहां पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई का पावर माइनस जेड। ठीक है, चलो माइनस से तो माइनस इंटीग्रेशन जेड ई का पावर माइनस जेड, तो देखो जेड ई का पावर माइनस जेड को करने पर यह आया था माइनस जेड e का पावर माइनस जेड माइनस ई का पावर माइनस जेड। ठीक है बेटा, देख लो इस माइनस वन की वजह से यहां पे माइनस हो गया, और जेड ई का पावर माइनस जेड का हमने क्या निकाला, माइनस जेड ई का पावर माइनस जेड माइनस ई का पावर जेड। चलो अब ब्रैकेट अंदर का खोल दो, तो माइनस ई का पावर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड ई का पावर माइनस जेड, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर माइनस जेड। ठीक है बेटा, चलो यहां माइनस e का पावर माइनस जेड है, और यहां पे प्लस e का पावर माइनस जेड है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो आपका i z e का पावर माइनस जेड, तो आपका फंक्शन ऑफ z जो होगा वो होगा z e का पावर माइनस जेड i। ठीक है प्यारा बच्चा, देख लो यहां तक हमने करके रखा था, फिर हम लोग आ गए थे इसके इंटीग्रेशन पे, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने आईरेट लगाया, तो जब इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो अपन को ये वैल्यू आई, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ साइन माइनस का था, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो यहाँ पर माइनस ई का पावर माइनस जेड था और यहाँ पे प्लस ई का पावर माइनस जेड था, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा जेड ई का पावर माइनस जेड, और ये इसको आगे लिख दिया। और मैंने क्या बोला बेटा, मैंने आपको ये जो आईलेट वाला जो तरीका है उसका वीडियो मैंने बनाया था बहुत पहले मैथमेटिक्स वन के लिए, तो वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, उसमें एक गलती भी है, कोई बात नहीं गलती हटाओ, वहाँ तरीका था बेटा, तो वहाँ पर उस वीडियो को देख लोगे तो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट किया वो आपको पता चल जाएगा। और चलो फॉर्मूला तो यहाँ मैंने बता ही दिया था आपको, जो बेसिक चीज़ है कि यू और वी कैसे लेते हैं वो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आइलेट के फॉर्म में लेते हैं अल्जेब्रिक को पहले, फिर एक्सपोनेंशियल को बाद में, तो वो चीज़ आप वहाँ पे सीख पाओगे। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, आप वहाँ पे जाकर नहीं देख सकते हो, फिर ऑप्शन क्या बचता है। चलिए फ्रेंड कोई बात नहीं, सो आप इसको नोट कर लिए, डेमो यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है फ्रेंड। अगर आपको अब आगे लेक्चर्स चाहिए, आपको लगता है कि हाँ आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, आपको आगे के लेक्चर्स भी चाहिए प्यारा बच्चा, तो आप सिंपली ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, उसके स्टोर पे जा सकते हो, स्टोर पे जाके आप अपना कोर्स वहां से परचेस करके पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। और यहाँ मैंने जो लास्ट स्टेप था ना आईलेट का, भगा भगा के इसलिए पढ़ाया थोड़ा सा, क्योंकि प्यारा बच्चा वहां पर हमने इसको पढ़ाया है एक अलग लेक्चर में कैसे होता, वहां पे आप सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं समझ में आता तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं कुछ ना कुछ आपको रास्ता बता दूंगा, रास्ता मैंने बताया ही है आपको, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट की, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पे था, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ठीक ठाक चीज है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, है ना, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं बेटा, ज्वाइन करते हैं तो मैं इतनी चीजें तो आप एटलीस्ट कवर अप कर ही देता हूँ, कि अगर आप अलग से भी क्वेश्चंस नहीं करते तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आपका दिमाग भी खुल जाएगा, फिर क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं रहोगे आप, कंसेप्ट ओरिएंटेड रहोगे। जैसे डिफरेंशिएशन आया तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इंटीग्रेशन आया तो इंटीग्रेशन पढ़ाया, आईलेट का यूज हुआ तो मैंने आईलेट भी बता दिया, तो बेसिक चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप गाइड वगैरह उठाकर देखोगे ना तो यार इतनी लेंदी, मतलब इतना शॉर्टकट में कर दिया चीजों की, मैं क्या बताऊँ, इतनी शॉर्टकट में चीजें होती नहीं है। और मैंने भी यहाँ भगा भगा के पढ़ा, ऐसी बात नहीं, मैं जल्दी मैंने बताया वो लाइट वाला क्यों, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अब आपसे मिलते हैं अपने ऐप पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।